से बीजेपी 303 सीट पर आ गई, इसलिए आ गई कि भाजपा के लोग खुलेआम हाफ पैंट है और कांग्रेस की अट्टी और खत्ती के अंदर हाफ पैंट है। आपका खुला दुश्मन भाजपा है, लेकिन छुपा हुआ आस्तीन का दुश्मन वो कांग्रेस है। चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, आज अगर एनआरसी का आसाम में लागू हुआ तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उसकी शुरुआत करने वाले कांग्रेस की सरकार तरुण गोगोई है। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, नौजवान साथी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सिर्फ असदुद्दीन अवैसी फैंस क्लब मत बनाइए। आप इतने अवेयर होइए, इतने जागरूक होइए कि आपको आप फैंस क्लब नहीं बनाना है, आपको अपना एमपी और एमएलए बनाना है इस हिंदुस्तान में और इस झारखंड में। एक अजब बीमारी है, जहां बात होती है हम अपनी क्यादत की बात करें, अरे मुसलमान नहीं जीतेगा। इस विधानसभा का इतिहास मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड बिहार से लेकर अब तक 8 मरतबा विधानसभा का चुनाव होता है और 3 मरतबा आपका कैंडिडेट, चाहे वह अयूब खान हो, शमसुद्दीन खान हो, हसन रिजवी हो, किसी भी सियासी पार्टी से वो जीत कर आते हैं। 2 मरतबा आपका कैंडिडेट सेकंड पोजीशन पर होता है और 1 मरतबा आपका कैंडिडेट तीसरे पोजीशन पर होता है, तो कहां बताइए ना परफॉर्मेंस कार्ड आपका खराब है। यह अजब बीमारी है, आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी सियासी पार्टी जब टिकट देती है, या लोग मौजूद है जानते हैं कि एक पैनल बनाया जाता है, 3 प्रत्याशियों का नाम जिला कमेटी से, प्रदेश कमेटी और प्रदेश कमेटी से प्रभारी को फॉरवर्ड किया जाता है कि ये 3 संभावित प्रत्याशी है, इसमें किसी एक को टिकट मिलना चाहिए। 1 भी प्रत्याशी इसमें पैनल में आपका मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होता, मुझे तो हैरानी होती है और अफसोस होता है उन मुस्लिम लीडरान पर कि जो जिंदगी भर झंडा ढोते हैं कांग्रेस का और दिगर सियासी पार्टियों का और उनको कैंडिडेट मटेरियल भी नहीं समझा जाता। अब तो उसको इतना छूत मान लिया गया है कि आप मेरे साथ प्रचार में मत चलिए, हमको गैर कौम वोट नहीं देते। अब तो आपके मोहल्ले में लोग नहीं आना चाहते, लोकसभा का चुनाव हुआ, चंपाई सोरेन आए आपके यहाँ वोट मांगने के लिए, उन लोगों ने तो आपको हमको बंधुआ मजदूर समझ रखा है। ये मुसलमान जाएगा कहाँ, मुसलमान तो हमको ही वोट देते। पिछली मरतबा आपने 85,000 वोट जिस नेता को दिया, आज वो आपसे परहेज करता है, उस आबादी से नजदीकी दिखाता है, क्यों? क्योंकि समझता है कि मुसलमान के पास ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है मुसलमानों के पास, मुसलमान घूम फिरा के मेरे ही पास आए। तो आप उसको बता दीजिए कि आज मेरे पास विकल्प है, आज फैसला समुद्री नवैसी की पार्टी झारखंड करके आ चुकी है और हम चुनाव लड़ रहे हैं फैसले से दुद्दीन अवैसी के नाम पर। रियाज शरीफ अकेला चुनाव नहीं लड़ सकता, हमारा संगठन नहीं है, हमारी पार्टी बहुत कमजोर है, लेकिन अल्लाह ताला रास्ता निकालने वाला है और आप लोगों का साथ, आप लोगों का हौसला। मैं तो ये कहता हूँ कि रियाज शरीफ चुनाव नहीं लड़ रहा, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है और आप मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम जिस तैयारी के साथ और जितनी ईमानदारी और नियत साफ नियति के साथ हम मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम जीतने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और ये साबित कर देंगे इंशाल्लाह। मजलिस नहीं है, कांग्रेस और जेएमएम और दीगर पार्टियां हैं। जिस चंपाई सोरेन को मुसलमान लोकसभा में चुनाव के वक्त वोट देता है ईमानदारी के साथ, आप इतिहास पता कीजिए। जब MIM का मामला हुआ, आपको पता होना चाहिए, MIM और उसके बाद बंद हुआ, बंद का कौन बुलाया गया, मैं भी उसमें शामिल था। शोभापुर की घटना की वजह का जमशेदपुर में बंद बुलाया गया मुस्लिम नेता मच की जाने, और वो शोभापुर की घटना जहाँ 4 लोगों को, 4 इंसानों की जान ले ली जाती है, चाहे किसी धर्म के हो, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, उन 4 लड़कों की जो हत्या होती है वो विधानसभा क्षेत्र शोभापुर सरायकेला है, उसका विधायक का नाम चंपाई सोरेन, जो आज तक पीड़ित परिवारों के घर तक नहीं जाता है। आज आपके जनप्रतिनिधि में इतनी इंसानियत नहीं बची है, अरे किसी के यहाँ कोई हादसा हो जाए, चाहे वो किसी धर्म का हो, हम तो शमशान तक जाते हैं कि मेरा भाई है, अगर पड़ोसी घर मुस्लिम भी है तो हम वहां तक भी जाते हैं, ये इंसानियत के इस्लाम बताता है। लेकिन आपका जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवारों के घर तक नहीं जाता है और जिन 40 लोगों पर FIR होता है शोभापुर में, राजनगर थाना में, उन 40 लोगों में 36 लोगों की
पैरवी करके उनको सुपरविजन में निकाल देता है खेल से, और उसके बाद उसको प्रत्याशी बनाया जाता है लोकसभा का। आप मुसलमान पूरे लोकसभा का लड़ मर के चाहे जुसलाई क्यों ना हो, 74 लोग FIR खाते हैं किसके लिए, सिर्फ चंपाई सोरेन के लिए, सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्म निरपेक्षता के नाम पर एक धर्म निरपेक्ष कैंडिडेट को यह कैंडिडेट बनाया गया, तो धर्म निरपेक्ष कैंडिडेट नहीं है, आप जान लीजिए। आप पता कीजिए शौकत भाई और बड़े जो लोग हैं वो जानते हैं इतिहास, चिरडी नरसंहार, 19 मुसलमानों की हत्या का आरोप है चंपाई सोरेन और टीपू सोरेन पर, ये नौजवानों को मालूम होना चाहिए इतिहास। आज भी मामला कोर्ट में मौजूद है, आप पता कर लीजिए, मैं जितना बता रहा हूं बेटे के साथ बता रहा हूं, आप क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए जाकर। मुसलमान अपना सियासी कायद किसको माने, चंपाई सोरेन को या उस 85,000 के नेता को जिसको हमने ईमानदारी से वोट दिया और उसकी कौम ने उसको नकार दिया, और हम उसको अपना नेता मानने को तैयार है, मरे जा रहे लोग उसके पीछे दौड़े जा रहा है, वो अपना पल्ला झाड़ रहा है, आज तो वो मुहर्रम की पगड़ी बांधने को तैयार नहीं, आपकी टोपी पहनने को तैयार नहीं, पहले तो बड़ा मंच पे कलमा सूरे फातिहा पढ़ते थे, इतना ही शौक है तो ईमान कबूल कर ले, हम झंडा धोने के लिए तैयार बैठे हैं इंशाल्लाह, जितने लोग हैं ईमान कबूल कर लो, मस्जिद में शामिल हो जाओ, रियाज शरीफ दावेदारी वापस लेता है, तुम मस्जिद से चुनाव लड़ो, हम तुम्हारा झंडा ढोलेंगे, शर्त यह है कि ईमान कबूल कर लो, बहुत शौक है। लेकिन ये सिर्फ सियासत है, मुसलमान अपना सियासी कायद क्यों चाहिए वो बस इसीलिए समझता है, अरे अब्बा के जनाजे में तो आता है, भाई के वली में आता है, मेरे को फोन किया था अभी देखे ना 10 मिनट बाद जो कॉल निकल दिखा रहे, अरे किसी फरिश्ते से बात हुआ था क्या, इस तरह से लोगों ने उसको समझ लिया है कि लगता है कि जन्नत का परवाना हाथ लग गया है। मेरे भाई अपना चश्मा उतारिए, एक वाहिद वक्त आपको मिला है, दोबारा मैं नहीं समझता कि इसके बाद जमशेदपुर पश्चिम में दोबारा इस तरह का माहौल बनेगा, जो लोग आपके बड़े हैं उनसे पूछिए, बैठिए, बात कीजिए कि किस तरह की सियासत होती है आपके और हमारे साथ। एक मौका आपको हमको मिला है और मैं आपके दरवाजे दरवाजे आ रहा हूँ, सिर्फ यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारा लीडर, हमारा चेहरा सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी है, आप रियाज शरीफ को वोट मत कीजिए, आप बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी को वोट कीजिए, मेरे अंदर कमियाँ है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हर इंसान के अंदर हो सकती है, लेकिन हमारे बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी के अंदर कोई कमी नहीं, हमारा वो सियासी कायद है, हम उसको मानते हैं और इंशाअल्लाह मानते हैं। आखिर मिनट तक, नॉमिनेशन के 24 घंटे पहले तक भाजपा मुख्यालय के दरवाजे पे कमल फूल, कमल फूल दे दो, चुनाव लड़ लेंगे, तो क्या गारंटी है कि जीतने के बाद आप भाजपा में नहीं जाएंगे, इतना लाएतमाद, इतना गैर एतमाद, उसके बावजूद भी मुसलमान उसके पीछे चला जा रहा है, हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, क्या करेंगे, मेरे ऊपर भी बहुत दबाव है शहर का, बहुत लोग मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई 2000 वोट आएगा लेकिन भाजपा जीत जाएगी, हमारे 2000 का नेता रियाज शरीफ को बना देंगे इंशाअल्लाह, कम से कम किसी भाई को थाना में लेके जाएगा तो 2000 का नेता थाने के दरवाजा पर बैठ जाएगा, 2000 का नेता बनने दीजिए, प्रेशर मत दीजिए, हम चुनाव तो लड़ेंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे, जीतेंगे, हम जीतने की नियत से चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे बताया है, आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह जीतने की नियत से हम तैयारी करके मैदान में आए और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा, रियाज शरीफ तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, रियाज शरीफ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, बस यही हौसला है मेरे पास, कुछ नहीं, मैं आपको बता दूं कि पहली मरतबा मैं किसी सियासी पार्टी में आया हूँ, इससे पहले मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, लोग जानते हैं, पता कर ले, मैंने समाज के बीच में रह के सामाजिक खिदमत अंजाम दिए हैं, मैं भी यही समझता था कि सियासत बहुत गंदी चीज है, दूर रहना चाहिए, बहुत दाग लगेंगे दामन में, लोग निकाल रहे हैं इससे पात्र, निकालते रहिए जब कुछ नहीं मिलेगा, ना आज तक किसी का घर दबाया है, ना किसी की जमीन हड़पती है, न नोटिफाइड थाना की दलाली की है, न कहीं FIR दर्ज है, होगा भी तो झूठा कहीं दर्ज करवा देंगे, हमको ये भी बोला गया है
कि चुनाव से पहले आपको जेल भी जाना पड़ेगा। मैंने बैग रेडी कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बता दूं, कम लोग जानते हैं कि मैंने घाघरी जी जेल में भी चैरिटी का काम किया। मैं 15-16 मरतबा जा चुका हूं जेल, इसलिए गया था। मैं आपको बता दूं कि मेरी एक बीमारी है कि किसी भी दुनिया के कोने में एक मुसलमान अगर नजर आ जाए तो मैं वहां पहुंच जाता हूं। 194 मुसलमान घाघरी जेल में मौजूद थे। मेरे जहन में एक बात आई, कुछ लोगों से हमने मशवरा किया कि मेरे भाई हम लोग 30 दिन रमजान में ईद की तैयारी करते हैं और ईद के दिन भी हमारे दिल में एक मलाल रह जाता है कि ये कमी रह गई वो कमी रह गई। जो मेरा भाई जेल के अंदर है वो किस तरह से ईद मनाता होगा, वो किस तरह से सहरी करता होगा, रोज़ा रखता होगा। 3 साल जेल के मुसलमान कैदियों के लिए हम लोगों ने इफ्तार करे थे, तो हमको जेल दिखाने की जरूरत नहीं है। बिरसा वार्ड, नेहरू वार्ड, गांधी वार्ड, राजेंद्र वार्ड सब घूम गई है। जुमा की नमाज भी इमाम को ले जाके पढ़वा चुके हैं, ईद की नमाज भी पढ़ चुके हैं, तो ज्योग्राफी पता है वहाँ की, कोई दिक्कत नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, जब मैदान में आए हैं तो कमर कस के आए, नाम के साथ शरीफ लगा है तो लोग थोड़ा सा बदगुमान हो जाते हैं। रियाज शरीफ थोड़ा शरीफ होगा, बिल्कुल शरीफ है कैरेक्टर के मामले में, मामलात के मामले में, लेकिन जब बात आएगी डटने की और लड़ने की तो बेफिक्र रहिए, आपका भाई बहुत मजबूत है और यही मजबूती आप लोग हैं और यही हौसला देखकर, यही आप लोगों का जज्बा देखकर मैं मैदान में आया हूँ। अब बस आप लोगों से यही अपील है कि इसी तरह 7 दिसंबर तक आप मेरा साथ दीजिए, इंशाल्लाह उसके बाद आप मिलते